एपिसोड 42, गुम है किसी के प्यार में। वहीं जंगल में एक तरफ मुक्ता और मिहिर अब भी अपनी अपनी तरफ से वहां से बच निकलने और कॉलेज कैंप तक वापस पहुंचने के बारे में ही सोच रहे हैं। ऊपर से मिहिर का फोन खराब हो चुका है, इसलिए मिहिर किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा। वहीं मिहिर जैसे ही आगे बढ़ा, उसके पैर में गहरी चोट लगी होने की वजह से उसे पैरों में बहुत दर्द होने लगा। लेकिन उन्हें यहाँ से जाना होगा, इस बात को सोचकर मिहिर आगे चलने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब मुग्धा ने ये नोटिस किया कि मिहिर को चलने में दिक्कतें आ रही है, तब मुग्धा भी बहाना करने लगी। मुग्धा चलते चलते वहाँ पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठ कर कहने लगी, मुझसे अब और नहीं चला जा रहा, बहुत थक गई हूँ मैं। मुग्धा को ऐसे बैठता देख मिहिर ने कहा, मुग्धा थोड़ा और चल लो, हमें अंधेरा होने से पहले इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन मुग्धा अपनी जिद पर अड़ी रही और बोली, थोड़ी देर बैठने से कुछ नहीं होगा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है मिहिर, मैं बिल्कुल नहीं चल सकती। मुग्धा को यूँ जिद करता देख मिहिर भी मुग्धा के साथ उसी बड़े पत्थर पर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज कैंप में ऋतु समीर के सामने बिल्कुल नॉर्मल बातें करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके दिमाग में मुग्धा से ज्यादा इस वक्त मिहिर का ख्याल चल रहा है। मेरे मिहिर को कुछ भी नहीं हो सकता, सब इस मुग्धा की वजह से हुआ है, ना ये मिहिर के इतने करीब जाने की कोशिश करती और ना ये सब होता, सब गड़बड़ हो गया। कहां मैं मिहिर और मुग्धा को अलग करना चाहती थी और कहां दोनों एक ही साथ अकेले घने जंगल में गुम हो गए। कहीं वहां जंगल में मिहिर को मुग्धा से प्यार हो गया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले कि देर हो जाए और मैं मिहिर को खो बैठूं, मुझे खुद कुछ ना कुछ करना ही होगा, लेकिन कैसे, यही सोचना है। वहीं आसमान से अब भी लगातार हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से मौसम और ज्यादा सर्द होने लगा है। वहीं मिहिर और मुग्धा के कपड़े भी गीले हो चुके हैं, इसलिए मिहिर को काफी ठंड लग रही है। मिहिर थोड़ी थोड़ी देर में अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ रहा है। वहीं पत्थर पर बैठे हुए मुग्धा की नजर जब मिहिर पर गई, तब उसने मिहिर के हाथ को अपने हाथों में ले लिया। मिहिर समझ नहीं पाया कि मुग्धा आखिर क्या करना चाहती है, वो उस वक्त सिर्फ हैरान होकर मुग्धा को देख रहा है। वहीं मुग्धा बिना मिहिर को कुछ कहे अपनी हथेलियों से मिहिर की ठंडी पड़ चुकी हथेलियों को आराम से रगड़ने लगी। थोड़ी देर में मिहिर को हल्की हल्की गर्माहट महसूस हुई और उसे बहुत अच्छा एहसास होने लगा। मिहिर की तरफ देखते हुए मुग्धा ने पूछा, आई होप कि अब थोड़ा ठीक लग रहा होगा तुम्हें। मिहिर ने मुग्धा की ओर देखकर उसे थैंक यू कहना चाहा, तभी मुग्धा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ये थैंक यू एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अभी अभी किसी ने मुझे कहा है कि एक दोस्त ही दोस्त की मदद करता है और हम दोस्त हैं। सुनो थैंक यू। तभी मिहिर ने मुग्धा से कहा, मुग्धा अब बहुत देर आराम हो गया, चलो हमें अब चलना चाहिए, वरना रात को हम इस जंगल में फंस जाएंगे। मिहिर की बात पर अपनी सहमति जताते हुए मुग्धा पत्थर से उठने लगी और उसने कहा, ठीक है अब चलते हैं। लेकिन वहीं मिहिर को हो रहे पैर में दर्द की वजह से मिहिर का आगे चलना मुश्किल हो रहा था। अपना एक कदम आगे बढ़ाते ही मिहिर दर्द से कर्रा उठा और वो वहां पास ही मौजूद एक पत्थर पर दोबारा से झुककर बैठ गया और अपने पैर के घाव देखने लगा। वहीं मुग्धा मिहिर को इस हालत में देखकर दुखी हो गई और एक बार गौर से उसे देखकर पत्थर से उठी और बिना कुछ कहे जंगल में चली गई। मुग्धा को यूं जंगल की ओर जाता देख मिहिर कुछ देर के लिए कुछ भी समझ नहीं पाया कि आखिर मुग्धा कहाँ चली गई। वो जैसे तैसे उठकर लंगड़ाते हुए जंगल की ओर मुग्धा को देखने लगा, कहाँ चली गई ये मुग्धा, कहीं से मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं लग गया, लेकिन मैंने तो इसे कुछ कहा भी नहीं। और मिहिर मुग्धा का नाम लेकर चिल्लाने लगा, मुग्धा मुग्धा। लेकिन मुग्धा कुछ देर तक वापस नहीं आई, इसलिए मिहिर को मुग्धा की फिक्र होने लगी। तभी जंगल से मिहिर को मुग्धा वापस लौटती नजर आई। मुग्धा को देखते ही मिहिर गुस्से से बोला, मुग्धा ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी तुम्हारी ये आदत बिल्कुल सही नहीं,
तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गया था और मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी कि कहीं तुम्हें। वही मुग्धा ने बहुत आराम से मिहिर का हाथ पकड़ कर कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम हो ना मेरे साथ और आइंदा से मैं कहीं भी जाऊंगी तो तुम्हें बताकर जाऊंगी, ठीक है? अब आओ और यहाँ बैठो। लेकिन मिहिर ने मुग्धा को टोकते हुए कहा, मुग्धा प्लीज वादा करो तुम कहीं नहीं जाओगी मुझे छोड़कर। अचानक से मिहिर को एहसास हुआ कि वो जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे काफी कुछ कह गया है जो उसे मुग्धा से नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मिहिर की बातों का बुरा ना मानते हुए मुग्धा ने कहा, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, कम से कम जब तक हमें सब लोग ढूंढ नहीं लेते। इतना कहकर मुग्धा हल्के से मुस्कुराए, आओ बैठो। वही मिहिर एक छोटे से बच्चे की तरह चुपचाप से मुग्धा की ओर देखते हुए एक पत्थर पर बैठ गया और मुग्धा जो कुछ भी कर रही थी उसे बहुत ध्यान से देखने लगा। वही मुग्धा अपने साथ अभी जंगल से लाए पत्तों को बड़ी बारीकी से अपनी हथेलियों पर एक एक करके रगड़ने लगी और उन पत्तों का रस निकालकर उसने मिहिर की चोट पर धीरे से फूंक मारकर लगाया। मिहिर के जख्मों पर उन पत्तों को रखते ही मिहिर जोर से चिल्लाया, आहा, ये क्या लगाया है, बहुत जलन हो रही है मुझे। मुग्धा ने झट से मिहिर की आंखों में देखते हुए कहा, मिहिर यहाँ देखो मेरी आंखों में कोई दर्द नहीं हो रहा तुम्हें, देखो यहाँ मेरी तरफ इन आंखों में। मिहिर ने जैसे ही मुग्धा की उन गहरी काली आंखों में देखा जैसे उसका दर्द अपने आप ही गायब हो गया और वो मुग्धा के इस अपनेपन को देखकर उसकी आंखों में ही कहीं खो गया। तभी मिहिर की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए मुग्धा ने कहा, कहाँ खो गए मिहिर, देखो दर्द गायब हो गया ना तुम्हारा। सच में? मिहिर हैरान सा मुग्धा की ओर देखता हुआ अपने दर्द के बारे में सोचता जा रहा है। वही मुग्धा ने कहा, इन पत्तों के बारे में मुझे कल क्लास में पता चला था, तुम बस अब कुछ देर आराम कर लो फिर तुम बिल्कुल ठीक महसूस करोगे। अपने लिए मुग्धा को इतनी ज्यादा परवाह करता देख मिहिर को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि तभी उसे अपने मामा से किया वादा याद आ जाता है और वो मुग्धा से अपनी नजरें फेर लेता है। वहीं दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी तरफ से भी मुग्धा और मिहिर को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। कई सारी टीम बनाकर अलग अलग दिशाओं में सब जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद एक ही रास्ता है जो मुग्धा और मिहिर तक जाने के रास्ते को जोड़ सकता है और वो पूरा रास्ता बर्फ गिरने की वजह से पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। वहीं मुग्धा और मिहिर को गुम हुए लगभग 4 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है और दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। वहीं कैंप में वाइस प्रिंसिपल और कई सारे प्रोफेसर्स भी ऋतु और समीर को समझाने में लगे हुए हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर ऑलरेडी डूइंग आवर बेस्ट, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, हम उन दोनों को ढूंढ रहे हैं और हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी मदद के लिए बुला लिया है, हो सकता है शायद देर शाम या रात तक ही उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन वही ऋतु और समीर उनकी ये बातें समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे और बार बार खुद से उन्हें ढूंढने की बात कर रहे हैं क्योंकि ऋतु और समीर को उनके डैड को लेकर डर लग रहा है। वही वाइस प्रिंसिपल भी कह रहे हैं कि कैसे भी करके इस बारे में अभी उनके पेरेंट्स को नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं और अगर उन्हें इस बारे में कहीं से भी पता चल गया तो उन्हें बेहद टेंशन हो जाएगी। वहीं अब शाम भी होने लगी थी लेकिन हल्की हल्की बर्फबारी अभी भी जारी है जिसकी वजह से वहां के मौसम में लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है। वहीं काफी देर तक घने जंगलों के बीच ढूंढने के बाद भी मुग्धा और मिहिर को जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मालूम चल पा रहा है क्योंकि वो लोग जितना जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं वो उतना ही ज्यादा जंगल के आगे और गहराई में बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं गीले कपड़े पहने होने की वजह से मिहिर और मुग्धा को बहुत ठंड लगने लगी है इसलिए दोनों कहीं रुकने की जगह ढूंढते फिर रहे हैं। मिहिर ज्यादा ठंड लगने के कारण बार बार अपनी हथेलियों को रगड़ रहा है और वहीं मुग्धा मिहिर को इस हालत में देखकर काफी निराश है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो मिहिर की मदद के लिए क्या करे क्योंकि मिहिर ठंड लगने की वजह से बीच बीच में कांप भी रहा है। इस वजह से मुग्धा को मिहिर की काफी टेंशन हो रही है
वहीं मिहिर और मुग्धा के गुम हो जाने के कई घंटों के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी आखिर वहां पहुंच गए और वहां सभी से बात करने के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंचे जहां पर ये हादसा दोपहर में हुआ। लेकिन वहीं पूरा का पूरा रास्ता बर्फ से ब्लॉक हो गया है। ये देखकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने कहा, पूरा रास्ता बर्फ से बंद हो गया है, इसे हटाने में हमें कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे, तब तक रात हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तक जेसीबी भी नहीं पहुँच सकती क्योंकि आगे रास्ता ब्लॉक है। वहीं धीरे धीरे शाम और गहरी होती जा रही है, साथ ही जंगल और घना लगने लगा है। वहीं घने जंगल में चांद की रोशनी भी बड़ी मुश्किल से दाखिल हो रही है। शाम के बीतते हर लम्हे के साथ ठंड दबे पांव अपने पैर और पसारती जा रही है। एक तरफ मिहिर और मुग्धा जैसे तैसे करके जंगल के बीच बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन दोपहर से चलते चलते अब दोनों काफी थक चुके हैं। कई घंटे से लगातार चलते रहने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं आया, ना जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता और ना ही उनके अलावा इस जंगल में उन्हें कोई दिखा जिसकी मदद से वो बाहर निकल सकते। वही मौसम में ठंड के बढ़ने की वजह से मिहिर रह रहकर ठंड से ठिठुर रहा है और उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी है। इसका अंदेशा काफी देर पहले मुग्धा को भी हो चुका है। कांपते हुए मिहिर ने मुग्धा से कहा, मुग्धा मुझे लग रहा है आज रात हमें इस जंगल में रुकना होगा, इससे पहले ज्यादा देर हो जाए हमें रुकने के लिए कोई जगह देखनी चाहिए। मुग्धा ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो मिहिर, लेकिन इस घने जंगल में ना जाने कोई जगह मिलेगी भी या नहीं। तभी और जंगल की गहराई में जाकर उन्हें एक पुराना सा झोपड़ी नुमा घर नजर आया। उसकी हालत देखकर शायद उसे घर कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन जब आदमी मुसीबत में हो और उसे सर छुपाने को एक आसरा मिल जाए तो उसके लिए हर छत घर समान ही लगने लग जाता है। मिहिर को थका हुआ देखकर मुग्धा ने कहा, मिहिर वहां चलो, शायद हमें कोई मदद मिल जाए, शायद यहाँ कोई रहता हो, अगर नहीं भी रहता होगा तो कम से कम हम इस घने और खतरनाक जंगल में आज की रात कैसे भी करके काट ही लेंगे, चलो वहाँ चलते हैं। मिहिर भी अपनी हिम्मत साध कर मुग्धा के साथ चल पड़ा। वहीं जैसे ही मिहिर और मुग्धा दोनों उस झोपड़ी नुमा घर में दाखिल हुए, वहां उन्हें इस झोपड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ मिला, जिसे किसी तरह से एक रस्सी के सहारे बांधा हुआ था। वहीं कमरे में जगह जगह पर मकड़ी के जाले लटक रहे हैं और पूरा कमरा धूल से भरा हुआ है। और ये झोपड़ी काफी पुरानी थी क्योंकि जगह जगह से लकड़ी अब टूटने चटकने लगी है। वहीं कमरे के एक कोने में अलाव चलाने के लिए एक ओवर शेप कंटेनर भी मौजूद था और वहां कमरे में मौजूद चीजों को देखकर यही लग रहा है कि यहाँ कोई हाल फिलहाल ही रह रहा था, क्योंकि कई चीजें अब भी अपनी ठीक जगह पर नजर आ रही हैं। और तो और तसले में कई लकड़ियां आधी जली हुई भी नजर आ रही हैं। इसका मतलब आग चलाने के लिए कोई सामान भी यहाँ कहीं मौजूद होगा। तभी मिहिर कमरे के अंदर वहां मौजूद चीजों को एक एक करके देखने लगा। वहीं उसकी हालत धीरे धीरे और खराब होती जा रही है। ठंड के मौसम में गीले कपड़ों की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। उसे उस वक्त सिर्फ माचिस की तलाश है जिससे वो आग जलाकर कुछ ठंड कम कर सके। वही मुग्धा कमरे में मौजूद चीजों को ठीक करने में लगी है। सबसे पहले मुग्धा एक कपड़े से बिस्तर और आसपास की चीजों को झाड़ने लगी ताकि कम से कम वो लोग रात तो यहाँ बिता सके। उन्होंने खुद से रास्ता पता करने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो लोग नाकाम रहे। वो कल सुबह किसी और तरफ जाकर यहाँ जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि अभी वो कहाँ थे ये उन्हें खुद भी मालूम नहीं था। तभी कई सारी चीजों को ढूंढने के बाद आखिरकार मुग्धा को एक माचिस मिल ही गई, जिसमें सिर्फ चंद माचिस की तीलियां ही बची हुई है। जैसे तैसे करके मुग्धा मिहिर के पास गई और उन्होंने तसले में मौजूद लकड़ियों को जलाया, लेकिन उस जलती हुई आग से भी मिहिर की ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही। मिहिर ने कहा, मुग्धा मुझे मेरी तबीयत
बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। घबराते हुए मुग्धा ने कहा, मिहिर कुछ नहीं होगा तुम्हें, अभी ये आग जलाई है ना, जल्दी से तुम्हें फर्क महसूस होगा। वहीं अब मिहिर का सिर उसे अचानक से बहुत ज्यादा भारी महसूस होने लगा। उसे लगा जैसे पूरा कमरा ही घूमने लगा है। वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर के लगातार गिरते रहने और ऊपर से थके होने की वजह से मिहिर वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मिहिर, 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 उठो, उठो। तो क्या होगा आगे? क्या करेगी आगे मुग्धा मिहिर को ठीक करने के लिए? क्या कॉलेज कैंप से उन दोनों के लिए कोई मदद मिल पाएगी, या मिहिर की तबीयत और खराब होती जाएगी, या कहीं और कोई मुसीबत उनका वहाँ इंतजार तो नहीं कर रही?